जय हिंद साथियों, आज हम अपनी इस नई वीडियो में आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत जो संविधान का हमारा खंड चल रहा था, उसमें हम अभी तक संघीय कार्यपालिका के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। और अभी तक हमने राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों में राष्ट्रपति की शक्तियां इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियां। और इस राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां देखी, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। इसके अलावा हमने देखा संसद सदस्य के मनोनयन संबंधी शक्तियां, संसद सदस्य के मनोनयन संबंधी शक्तियां। इसके अलावा विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और सैन्य संबंधी शक्तियां। सैन्य संबंधी शक्तियां। अभी तक साथियों हमने राष्ट्रपति की इन तमाम शक्तियों के बारे में एक एक पॉइंट हमने चर्चाएं की, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, संसद सदस्य के मनोनयन संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां और सैन्य संबंधी शक्तियां। इन शक्तियों के बारे में अभी तक हमने चर्चा की और आज हम राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियां हैं उनको हम आइए क्रमवार देखते हैं और ये हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, देखते हैं। राजनीतिक शक्तियां, क्या है राजनीतिक शक्तियां? राजनीतिक शक्तियों में साथियों हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रपति महोदय की राजनीतिक शक्तियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में। तो चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियों में। किसी भी देश से, जैसे भारत है, तो भारत का किसी भी अन्य पड़ोसी देश से या दुनिया के जो भी देश है उनसे जो भी समझौता होता है किसी मसले पर, जैसे मान लीजिए कि व्यापारिक मसला है, व्यापारिक समझौता है, मान लीजिए भारत ने रूस से AKM जैसी राइफल बनाने के लिए करार किया, एक समझौता हुआ, तो भारत और रूस के बीच जो समझौता वो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। या भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत या किसी पड़ोसी देश के बीच यदि कोई युद्ध हो रहा है
या भारत अथवा पड़ोसी देश ही नहीं, कहीं कोई भी, कहीं के भी कोई देश हो, उनसे अगर और भारत के बीच कोई युद्ध है, तो उस युद्ध के बाद जो संधि होती है वो संधि भी वो राष्ट्रपति महोदय के नाम से की जाती है। अर्थात हमने देखा समझौता हो या संधि, वह किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। विदेशों से कोई समझौता अथवा संधि विदेशों से कोई समझौता या फिर संधि, वह राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। विदेशों से कोई समझौता अथवा संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। और एक और बात है अगली, कि विदेशों में जो भारत के राजदूत होते हैं, राजनयिक होते हैं, राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। तो अगली जो बात है वो ये है कि विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति वह राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। जो विदेशों में भारत की एम्बेसीज होती हैं, उनमें जो राजदूतों की नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियों में ही शामिल है, और इसी राजनीतिक शक्तियों का उपयोग करके राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। और इसके अलावा एक और बात इसमें है कि राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों का राष्ट्रपति भारत में विदेशी ये राजदूत है, राजपूत मत समझ लीजिएगा, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्या करता है? अनुमोदन करता है। इसमें ये तीन जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि विदेशों से कोई समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, इसके अलावा विदेशों में जो भारतीय राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, और जैसे विदेशों में भारत के राजदूत होते हैं वैसे ही
भारत में विदेशों के राजदूत होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन होता है और तब विदेशों से जो कोई भी देशों उनके जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर होती है। ये थी राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां। अब आइए एक और महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। और राष्ट्रपति की यह जो शक्तियां हैं अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, यह शक्तियां उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की जो लिखित परीक्षा है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं अगली शक्तियों में, वह है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। साथियों हम जानते हैं कि जैसे समाज में जब कोई अपराध घटित होता है तो उस अपराध से संबंधित मुकदमे चलते हैं, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां या सत्र न्यायाधीश के यहां सेशन कोर्ट में या फिर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में। तो जो समाज में अपराध घटित होते हैं ऐसे अपराध से संबंधित जो अपराधी हैं उनको अपराध से जो संबंधित दंड है उससे दंडित किया जाता है न्यायालय द्वारा। तो अपराधियों के लिए अपराधियों को दंडित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है न्यायालय में जिससे अपराधी न्यायालय से दंडित किए जाते हैं। और इसी अनुक्रम में एक और अथॉरिटी जो है प्रदान की गई है भारत के राष्ट्रपति को, और वो है क्षमा दान करने की शक्ति। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति जो सजा याफ्ता है अथवा कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय ने किसी भी अपराध में दोषी करार दिया है उस अपराध को क्षमा करने या अपराध का जो दंड है उसको कम करने, इस तरीके की जो शक्ति है उसे राष्ट्रपति को प्रदान की गई, जिसमें राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को पूर्ण रूपेण क्षमा भी कर सकता है या उसके दंड को कम कर सकता है। ये इस तरीके की शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति के तहत आती है जो राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदान की गई है। आइए चर्चा करते हैं। इसमें जो पहली बात है वो ये है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है, वह है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह साथियों लिखित परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रायः यहां से ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत
क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है, और इसका जवाब होना चाहिए वह है अनुच्छेद 72। और इसी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऐसे प्रायः सवाल अगर आ जाते हैं कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है, और ऑप्शन में चार विकल्प हैं और उसमें से एक ऑप्शन 72 है, तो आप बहुत आसानी से ऑप्शन 72 को लगाकर अपने इस प्रश्न को सही कर देंगे कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जी को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह बातें हो गई अनुच्छेद की, और इस अनुच्छेद में कुल चार पांच बातें बतलाई गई हैं कि जो न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए गए हैं उसमें राष्ट्रपति द्वारा उनकी जो सजा है उसको क्षमा किया जा सकता है, या उसका लघुकरण किया जा सकता है, या उसका प्रविलंबन किया जा सकता है। उसमें चार पांच बातें हैं, हम आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। और पहला ही टॉपिक डिस्कस करते हैं क्षमादान। क्षमा साथियों, अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराधी के दंड को पूर्ण रूपेण माफ किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। उसका जो दंड है, जो न्यायालय ने उसको दोषी करार दिया है, इस शक्ति के तहत, क्षमा करने की शक्ति के तहत राष्ट्रपति उसके दंड को खत्म कर सकता है, माफ कर सकता है, पूर्ण रूपेण माफ कर सकता है। तो क्या है क्षमा में? राष्ट्रपति अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है। लेकिन साथियों, राष्ट्रपति द्वारा ये जो क्षमा करने की बात है कि किसी अपराधी के दंड को क्षमा कर दिया जाए, यह इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है। इसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता से किया जाता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है। ये बातें हो गई क्षमा में कि राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को पूर्ण रूपेण क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है वह मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति, या मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति उसका उपयोग करता है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्ति है उसमें कुछ अन्य जो बातें हैं कि एक तो हो गई पूरी तरीके से राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, दूसरा हो गया लघुकरण के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी अपराधी के का जो अपराधी के लिए जो दंड दिया गया है उसको वो छोटा कर सकता है। जैसे अगर किसी को सजाए मौत दी गई है तो उसके दंड को राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास या उम्र कैद में बदला जा सकता है, या अन्य जो भी दंड न्यायालय द्वारा दिए गए हैं
उसको राष्ट्रपति द्वारा कम किया जा सकता है। लघुकरण में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए दंड को कम किया जा सकता है। जैसे लघुकरण में राष्ट्रपति जो दंड दिया गया है उसको कम कर सकता है, जैसे मौत की जो सजा है जो फांसी की सजा होती है, सजाए मौत की सजा होती है, उसको उम्र कैद में बदला जा सकता है। मौत की सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है या अन्य किसी भी सजा को लघुकृत किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। लघुकृत किया जा सकता राष्ट्रपति द्वारा मौत की सजा को उम्र कैद या अन्य किसी सजा में बदला जा सकता है। इसके अलावा जो अन्य जो सजाएं हैं उनको भी इसी अनुच्छेद 72 के तहत कम किया जा सकता है। तो क्षमा हो गया और लघुकरण हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य बातें हैं क्षमा और लघुकरण के, और अन्य जो बातें हैं उनमें है प्रविलंबन, प्रविलंबन साथियों, जैसा कि मान लीजिए किसी न्यायालय से किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है, फांसी दी गई है, ऐसी परिस्थिति में प्रविलंबन के तहत राष्ट्रपति कुछ समय के लिए उसकी सजा को निलंबित करता है, जिससे कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाल सके। प्रविलंबन में क्या है, ये मौत की सजा में होता है, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे ज्यादातर मौत की सजा के संबंध में, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा सजा का निलंबन किया जाता है, क्यों, जिससे कि
जिससे कि संबंधित व्यक्ति या अपराधी, अपराधी ही होगा, जिससे कि अपराधी राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर सके। प्रविलंबन, ये जो शब्द है इसका प्रयोग राष्ट्रपति महोदय द्वारा उस सजाए मौत के मामलों में किया जाता है, जिससे कुछ समय, कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो अपराधी होते हैं उनकी सजा को निलंबित किया जाता है, जिससे कि वो जो व्यक्ति है वह राष्ट्रपति के पास अपनी सजा को माफ करने के लिए दया याचिका दायर कर सके। ये हो गई बात प्रविलंबन की। अब इसमें एक और बात है प्रविलंबन के बाद, और वह भी इसी क्षमादान करने की शक्ति के दायरे में आती है, और इसको भी हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत। और जो अगली बात है वह है परिहार। साथियों, परिहार में क्या होता है? अभी तक हमने क्षमा करने की शक्ति देखी कि जिसमें राष्ट्रपति द्वारा अपराधी की सजा को पूरी तरीके से माफ किया जा सकता है। उसके अलावा हमने देखा कि लघुकरण में अपराधी की सजा को कम किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को सजाए मौत दी गई है तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसकी सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है, या अन्य किसी भी तरीके की जो सजा है जिसके संबंध में राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली गई है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसकी सजा को लघुकरण में किसी भी तरीके की सजा में बदला जा सकता है। लेकिन परिहार में जो बातें हैं वो ये हैं कि इसमें सजा की प्रकृति को नहीं बदला जाता, जो सजा है उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है, सिर्फ सजा की जो अवधि है उसको कम किया जा सकता है। तो बात करते हैं हम परिहार की। परिहार में क्या है? परिहार में सजा की प्रकृति को बरकरार रखते हुए सजा को कम कर देना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सजा की प्रकृति का मतलब है क्या है कि जैसे किसी अपराध में अपराधी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, तो सजा की जो प्रकृति है वो कैसी है? सश्रम कारावास, कठोर कारावास की श्रेणी में आता है। जो सजा की प्रकृति है वो क्या है? सश्रम कारावास है। तो परिहार में जो सजा की प्रकृति है उसको बरकरार रखते हुए, अर्थात जो सश्रम कारावास है वो एज इट इज रहेगा, सश्रम ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा जो सजा की अवधि है वो कम की जा सकती है। मतलब 4 वर्ष की जो सजा सश्रम थी उसे 2 वर्ष के या 1 वर्ष के सश्रम कारावास में बदला जा सकता है। यहां पर प्रकृति नहीं बदली गई, सिर्फ सजा की अवधि को कम किया गया। या फिर अगर सश्रम कारावास नहीं है, साधारण कारावास है, यदि किसी अपराधी को 4 वर्ष का साधारण कारावास या 3 वर्ष का साधारण कारावास दिया गया है, तो भी क्या होगा, हम क्या करेंगे,
राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस परिहार के तहत सजा की जो प्रकृति है उसे बरकरार रखते हुए सजा को कम कर देंगे। तो आइए समझते हैं, सजा की प्रकृति को बरकरार रखते हुए सजा को कम कर देना, जैसे मान लीजिए 8 वर्ष का सश्रम कारावास है, इसको 5 वर्ष के सश्रम कारावास में बदला जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, 5 वर्ष के सश्रम कारावास, में जो 8 वर्ष का सश्रम कारावास है उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास में बदला जा सकता है। यहां जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सजा की प्रकृति थी सश्रम कारावास की, वो इसी तरीके से बरकरार है, सिर्फ सजा की जो अवधि है उसको कम कर दिया गया है। या इसमें यदि सजा की प्रकृति श्रम कारावास नहीं है, साधारण कारावास है, यदि सजा की प्रकृति श्रम कारावास है, मान लीजिए किसी अपराधी को 1 वर्ष का साधारण कारावास मिला है, 1 वर्ष का साधारण कारावास मिला है, तो परिहार की जो शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, उसमें राष्ट्रपति महोदय द्वारा 1 वर्ष के साधारण कारावास को सजा की प्रकृति को बरकरार रखते हुए सिर्फ अवधि में कमी कर दी जाती है, सजा की जो अवधि है वैसी है, जो कारावास रहेगा वो साधारण ही रहेगा, लेकिन जो अवधि है उसको राष्ट्रपति महोदय द्वारा कम कर दिया गया, 1 वर्ष के साधारण कारावास को 6 महीने के साधारण कारावास में बदल दिया गया। ये होती है राष्ट्रपति की परिहार की शक्ति। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, वह स्पेशल केस के लिए है, उसको भी हम इसी के साथ देख लेते हैं, क्योंकि प्रायः कभी कभी महत्वपूर्ण बातें ना आकर परीक्षाओं में स्पेशल केस आ जाते हैं। वह है विराम। शब्दों पर ध्यान देंगे, इसको ध्यान में बैठाएंगे। जो पांचवी बात है वो क्या है, विराम। यह ज्यादातर स्पेशल जो केस है, स्पेशल केस में मुख्यतः जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब ऐसी महिलाएं जिन्हें न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है और वह गर्भवती हैं, तो राष्ट्रपति की जो ये शक्ति है विराम, इसमें गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी सजा को राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत कम किया जा सकता है। विराम में क्या है, गर्भवती महिला जिन्हें न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है, उनकी सजा को कम करना, विराम में राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति प्राप्त है,
कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है उनकी सजा को कम करना। ये बातें हो गई राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति। इसमें हमने देखा अभी तक 5 बातें, एक बार जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो 5 बातें हैं उसमें पहला क्या है, वो है क्षमा। दूसरा क्या है, लघुकरण। तीसरा क्या है, प्रविलंबन। चौथा क्या है, परिहार। और पांचवा है विराम। तो क्षमा में राष्ट्रपति महोदय द्वारा पूरी की पूरी सजा माफ की जा सकती है, चाहे वो उम्र कैद हो, चाहे वो सजाए मौत हो, या फिर अन्य किसी भी तरीके की सजा हो। लघुकरण में राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति प्राप्त है कि दी गई सजा को कम कर सकते हैं, वो सजाए मौत को उम्र कैद में बदल सकते हैं, उम्र कैद को किसी अन्य छोटी सजा में बदला जा सकता है लघुकरण के तहत। प्रविलंबन में जो मौत के मामले हैं, जो मौत की सजा दी गई है उसमें राष्ट्रपति महोदय कुछ समय के लिए सजा को निलंबित करते हैं, जिससे कि अपराधी द्वारा राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली जा सके। परिहार में सजा की प्रकृति को बरकरार रखते हुए राष्ट्रपति महोदय द्वारा सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है, यह शक्ति प्राप्त है। और अंतिम जो बात है इसमें क्षमादान में, वो है विराम। और इस विराम में गर्भवती महिलाओं की सजा को कम करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये बातें हो गई क्षमादान में। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है और उसको प्रायः सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। और वो ये है कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई दया याचिका डाली गई है, और वह दया याचिका राष्ट्रपति महोदय द्वारा खारिज कर दी जाती है, तो उसके बाद कोई अन्य दया याचिका राष्ट्रपति के पास नहीं डाली जा सकती। अगली और इसमें क्षमादान में आखिरी बात यह है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज कर दी जाती है, तो कोई अन्य याचिका नहीं डाली जा सकती। अर्थात यदि एक कोई दया याचिका राष्ट्रपति महोदय के पास डाली गई है और वह राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी जाती है, तो फिर कोई अन्य याचिका, दया याचिका उसी प्रकरण में उसी अपराधी के लिए नहीं डाली जा सकती है। ये बातें हो गई राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति के संबंध में। इन बातों को आप अपने ज्ञान भंडार में भरते रहें और एक एक टॉपिक को इसी तरीके से तैयार करते रहें। हम मिलेंगे अपनी नए वीडियो में राष्ट्रपति के कुछ अन्य शक्तियों के बारे में, और फिर चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई बात आपको न समझ में आई हो
तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात कह सकते हैं, और जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं कमेंट सेक्शन में आके आपकी बातों का जवाब दूंगा। तब तक आप अपनी आगामी लिखित परीक्षा के संबंध में एक एक टॉपिक को इसी तरीके से तैयार करते रहें। हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में राष्ट्रपति के अन्य शक्तियों के बारे में। तब तक साथियों नमस्कार, जय हिंद।